हाय गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग्स। और अभी मैं हूँ इन्फिनिटी मॉल के सामने। इन्फिनिटी मॉल जा नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ सामने से गुजर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ बोरीवली स्टेशन, क्योंकि आज फूफा जी आने वाले हैं और गूंज और बुआ ऑटो से उधर पहुँचने वाले हैं स्टेशन पर, और मैं बाइक से जा रहा हूँ। तो हम लोग स्टेशन पर मिलेंगे और फिर वहाँ से उनको पिक करेंगे और फिर वापस आते हैं घर की तरफ। फिर उस बात का जो प्लान है देखा जाएगा। तो यार पार्किंग के पास तो पहुंच गया हूं और इधर पार्किंग कहीं मिल नहीं रही है, मेन प्रॉब्लम यही आ रही है। और इधर पे एंड पार्क का है, लेकिन ये भी फुल ही है। एक बार पूछ लेते हैं, मना कर रहा देखो, पहले ही सारे से मना कर दिया तुम। इधर देख लेते हैं आगे, आगे भी कोई जगह नहीं दिख रही है, यहाँ भी लगाने को मना कर रहा है। तो देखते हैं, चलते हैं आगे को। पार्किंग तो मिल नहीं रही है, तो मैं इधर स्टेशन के अंदर इधर साइड में खड़ा कर देता हूँ तब तक टेम्प्रेरी। वैसे तो अंदर अलाउड नहीं होता, लेकिन अभी क्या करें। ये लोग यहाँ खड़े हुए हैं, गाइस भीड़ बहुत है। सालों बाद स्टेशन पे ऐसा लग रहा है पता नहीं कहीं आ गए। मेरे को तो पार्किंग नहीं मिली, मैंने वो वहाँ पर देखो पेड़ के नीचे रख दी। अब ये है डर के कोई उठा के ना ले जाए। अंदर से ले हम वहाँ वेट करते रह गए और इधर फूफा जी लोग उधर से आ भी गए हैं, ये देखो उधर खड़े हुए हैं। बाद में फ़ोन करके बताया कि भाई हम ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं। बुआ की खुशी देखो, बुआ की खुशी देखो, बुआ भाग रही। ओला बुक करवा दी है और ओला आने का जो स्टैंड है वो आगे है, तो सभी लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। गाड़ी आ गई है और गाइस गाड़ी जो है ये सीएनजी वाली है, तो मेरे ख्याल से इसमें सामान रखने का पीछे उतनी जगह नहीं है। कभी भी आप जब गाड़ी बुक करते हो तो ये ध्यान रखो कि सीएनजी वाली है, तो एक बार पूछने की स्पेस के लिए जगह है या नहीं है। वैसे तो अभी आ गया जहाँ तक है, फिर भी जब भी करें तो हमेशा कन्फर्म करें ये चीज़। रोहित भाई भी फैमिली के साथ निकल गए हैं और बुआ फूफा जी लोग भी ऑटो में निकल गए हैं, तो अभी मैं वहीं जा रहा हूं उनके साथ ही। तो मुझे लगता है मैं उनसे पहले ही पहुंच जाऊं। तो यार जैसा कि आपको पता ही था कि आज फूफा जी भी आगे थे और आज बुआ फूफा जी हम सब लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये देखो कितनी खुशी हो रही है। और मुंबई कोई आता है तो सबसे पहले कहाँ लेके जाते हैं हम? आपको पता ही है जुहू चौपाटी, वही है यहाँ का तीर्थ स्थल। तो आज हम जा रहे हैं जुहू चौपाटी, तो चलें फिर। तो भैया पहुँचा दिया इनको हम लोग जुहू बीच। कैसा लग रहा है फिर? बहुत मस्त। आप तो पहले एक बार आ चुके हो ना, और आज ज्यादा अच्छा लग रहा है फूफू के साथ कि पहले अच्छा लगा था? ये सच में पॉलिटिक्स में जाने लायक है। कौन देगा तुम्हें? समोसा तो गंदी चीज़ है बेटा, कभी नहीं खानी चाहिए। आ तेरे को समोसा खिलाएंगे दादा, एक समोसा खिला दो यार इसको। तू भी खाएगी समोसा? इसको एक समोसा दे दो, है मेरे पास। इतनी जल्दी खा लिया? अरे तू समोसा क्यों फेंक दी, खाई क्यों नहीं? देख वो कैसे खा रही कितने अच्छे से। तो ये समोसा नहीं चाहिए था, बता तेरे को समोसा नहीं चाहिए था? फिर अच्छा उसको ये मिला करके तो गुस्सा हो गई, उसको भी थोड़ा खिला देना, ठीक है? ठीक है, तो ये गुस्सा सही हो जाएगा, इसका गुस्सा फिर उड़ जाएगा। क्या नाम है इसका? भोली, भोली? ये कितनी भोली है। और तेरा नाम क्या है? फातिमा। ये इतनी भोली है ये? ये उस हिसाब से बताती ना प्राइस, किसके लिए ले जा रहे हो? कहती किसके लिए ले जा रहे हो? हाँ उनको कुछ बनाना है वीडियो तो दे दो, फिर तुम्हें वापस मिल जाएगा, 10 रुपये मिल जाएंगे, गुलाब भी वापस मिल जाएगा, और क्या, सबका काम हो जाएगा। कितनी भोली है ये, इसका नाम ही भोली है। फातिमा उसको खिला देना, ठीक है? बहुत ही प्यारे बच्चे थे और जानता हूँ हम ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते इन लोगों के लिए, लेकिन कभी कभी यार कुछ पल की मुस्कान तो इनको दे ही सकते हैं, है ना? फूफा जी लोग तो पहुँच गए फोटो खिंचाने, इसका भी मज़ा अलग। टाइटैनिक, टाइटैनिक वाला पोज।
ये बच्चे को देखो कैसे यहाँ पर अकेले अकेले नहा रहा है। इसके मम्मी पापा कहाँ हैं? बच्चे के मम्मी पापा, मम्मी पापा कहाँ हैं? पैंट में रेता घुस गया। अभी पता नहीं चल रहा, धीरे से एक ही बार हम पानी आएगा पूरी जीन्स गीली कर देगा। तुम लोगों ने सही नाव बना रखी है यार, मैं भी बैठ जाऊं नाव में हैं? अरे ये मेरे पैर के पास आ गई नाव, टकराएगी। दोबारा जा। लो ये देसी सर्फिंग है, देसी सर्फिंग। अरे नाव पलट गई। आज बहुत ही अच्छा, मैं तो आज पानी में ही चलने में लगा था। और बुआ फूफा जी भी, ये कितना सारा बीन लिया थे इन लोगों ने, आज पूरा समुंदर इकट्ठा कर लिया टोकरी में। आप तो यहाँ पहली बार आए थे ना, मतलब मुंबई में और बीच में भी? हाँ, यहाँ के चेन्नई बीच पे था, यहाँ पहली बार। तो चेन्नई बीच गए थे आप? हाँ। तो वो बीच अच्छा है कि यहाँ के बीच अच्छे हैं? मुंबई के चेन्नई का भी अच्छा है। ज़्यादा अच्छे कौन से? चेन्नई का अच्छा लगा। चेन्नई के वैसे अच्छे होंगे क्योंकि क्लीन भी ज़्यादा है और उधर प्राकृतिक सुंदरता ज़्यादा है ना। चेन्नई का अच्छा था, चेन्नई का ज़्यादा अच्छा था। आज बहुत अच्छा लगा यार, वैसे भी यहाँ आके तो मुझे अच्छा लगता ही है। आज फिर फूफा जी के बहाने फिर से मैं यहाँ पर आ गया। बाकी इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ और आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।